हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मस्त, मज़े में? वेरी गुड। इसी तरीके से अपने आप को हष्ट पुष्ट रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? ज़रूर आपको एक दिन वो कामयाबी मिलेगी जो आप चाहते हैं, जिसका आपका सपना है। तो बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 5th है, वर्क एनर्जी एंड पावर का, राइट? प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4th में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। तो आज का बेटा जो हमारा लेक्चर नंबर 5th है, उसके अंदर हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक को? एक तो हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम को, राइट? जो डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, ये हम लेक्चर नंबर 6th में देखेंगे, ठीक है? शॉर्ट वीडियोज बना रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट कि आप बोर भी ना हो और आपको छोटी वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो बिना देरी किए आज का हम अपना लेक्चर नंबर 5th स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, राइट? तो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जो भी अपने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, राइट? प्रॉपरली अगर आपको रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ठीक तरीके से हर एक वीडियो को ठीक तरीके से देख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे क्विक रिवीजन दे रहा हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा स्ट्राइक कर जाए कि लेक्चर नंबर 4th में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4th में बेटा हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ा था बेटा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखनी पड़ेगी। लेक्चर नंबर 3 के अंदर शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेक्चर नंबर 3 नहीं, लेक्चर नंबर 4th है, मैंने डिस्कस किया हुआ टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है? तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से देखोगे, ठीक है? तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको शुरू से वीडियो देखनी पड़ेगी, लेक्चर नंबर 1st से लेके अप टू द लास्ट, जो भी हमारा लास्ट लेक्चर रहता है, ठीक है? तो बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी बॉडी किस में है, मोशन में है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, हाफ एम वी स्क्वेयर का हमने फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे एम हमारा क्या होता था? मास ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है? वी हमारी क्या होती थी यहाँ पे? स्पीड ऑफ द बॉडी। और के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, क्या होती थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? फिर हमने ग्राफ देख लिया था, एक काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ देख लिया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, ठीक है? इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वेयर के बीच में ग्राफ देख लिया था, तो ये हमारा इस टाइप का ग्राफ आया था। बात आ रही है ना सुनने? तो ये हमने ग्राफ देखे थे, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या थी उसकी? जूल थी, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले बेटे एक रिलेशन है हमारे पास में, रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम, एंड काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो। तो बेटा, अपने को पता है लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं एम इंटू वी करके, यानी कि पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। अगर मैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, तो हम सिंपली लिखेंगे एम वी, ठीक है? लीनियर मोमेंटम। और बेटा, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या किससे लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वेयर से। अब थोड़ा सा ना काइनेटिक एनर्जी की तरफ आप कंसंट्रेट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब थोड़ा सा इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं और एम से डिवाइड कर दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे? बताओ, सोचो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, अगर मैंने एम से ही मल्टीप्लाई कर दिया और एम से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ बोलेंगे, यस सर फर्क पड़ेगा, एम और एम आ जाएगा। अरे भाई साहब, ऐसे देखो, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वन हो गया, तो वन होने की वजह से फॉर्मूला तो हमारे पास वही आया ना। इसका मतलब अगर इस एम को मैं कैंसिल कर दूं, यानी कि सॉरी कैंसिल नहीं, एम से मल्टीप्लाई कर दूं और एम से डिवाइड कर दूं, तो कोई भी कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अभी इक्वेशन किस टाइप से बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ, देखो एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, कितना हो जाएगा? एम स्क्वेयर और वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं क्या इसको ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते?
एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, बताओ भाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम वी कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जब इस होल स्क्वायर का हटाएंगे तो एम का स्क्वायर भी आ जाएगा, वी का स्क्वायर भी आया, क्योंकि दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लीकेशन में। तो बेटा यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख गया होगा पोर्शन जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये पोर्शन क्या है देखो, एम वी की जगह पे बेटा क्या है, एम वी तो हमारा किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है भाई, होता है नहीं होता बताओ, होता है ना भाई, पी इज इक्वल टू मै एम वी, तो पी इज इक्वल टू मै एम वी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस वाले केस के अंदर, क्योंकि कंप्लीट का होल स्क्वायर आ रखा है, और जब कंप्लीट का होल स्क्वायर आ रखा है और मेरे को पता है पी इज इक्वल टू मै एम वी होता है, तो इस वाली जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा और, अब मैं काइनेटिक एनर्जी को फॉर रेफरेंस के लिए, काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, के मान के चल रहा हूँ, कैपिटल के, कैपिटल के का मतलब भी काइनेटिक एनर्जी ही है और के ई का मतलब भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा ना उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैंने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे किस से डिनोट कर दिया, कैपिटल के से डिनोट कर दिया। तो मेरा ये फॉर्मूला बेटा क्या बन गया, के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2mk, और इसका जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2mk, अंडर रूट ऑफ 2mk। तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का, देखो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं पी स्क्वेयर बाय 2m, अगर मान लो आपको मोमेंटम गिवन है और मास गिवन है, मोमेंटम गिवन और मास गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, और अगर आपको मास गिवन है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ मोमेंटम कितना होगा, तो कैसे निकाल सकते हो, 2mk वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इन दोनों के ऊपर, कि मैंने काइनेटिक एनर्जी को अगर इतना परसेंट बढ़ा दिया तो मोमेंटम मेरा कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मोमेंटम को मैंने अगर इतना परसेंट बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना परसेंट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल हमारे पास आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी के लिए अपने को ये डेरिवेशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये जो डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, जो टीचर होता है क्लास में वो जरूर देता है टेस्ट के अंदर कि रिलेशनशिप बताओ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, रिलेशनशिप बताओ या ड्राइव करो कि कैसे रिलेशन आता है उन दोनों के बीच में। तो आप ये अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक आज हमें जो पढ़ना था, वो हमें पढ़ना था पोटेंशियल एनर्जी, क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, पीई से लिखते हैं। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी वजह से होती थी, बॉडी के मोशन की वजह से होती थी, जब बॉडी मूव करती थी, जब बॉडी मोशन में आती थी, तो मोशन के दौरान उस बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी हुआ करती उसको हम क्या बोला करते, काइनेटिक एनर्जी बोला करते। अब है पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, बॉडी की पोजिशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर बात। बॉडी की पोजिशन यहाँ पे बेसिकली अपन क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे जो पोजिशन का मतलब है ना, ये पोजिशन क्या है, हाइट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आप ऐसे भी लिखते हो ना, मतलब कि दूसरी डेफिनेशन देखो, एक तो ये वाली डेफिनेशन तो है ही हमारी, ठीक है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजिशन। आप अगर हाइट की टर्म में डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई अर्थ सरफेस से वो कितने हाइट के ऊपर है, जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जीरो है, इस वाले पॉइंट के ऊपर जीरो है, ठीक है।
तो मैं इसको ऊपर की साइड ले गया, एच हाइट के ऊपर ले गया। अब जब मैं इसको एच हाइट के ऊपर ले गया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और इस वाले केस में कितनी थी, जीरो थी। क्लियर बात। तो यहाँ से बेटा जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या निकल के आता है, एम जी एच फॉर्मूला निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी का, पी इज इक्वल टू में एम जी एच। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा और सुनते भी रहिएगा ठीक तरीके से। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, पी इज इक्वल टू एम जी एच आ गया, यानी कि एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच यहाँ पे क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस, जिस सरफेस से बोला जा रहा है ना उस सरफेस से हाइट है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये येलो कलर का हमारा कोई भी सरफेस है, ठीक है, ये हमारा येलो कलर का क्या है, सरफेस, और ये वाइट पेन से जो आपको दिख रही है ये कोई भी मासिव बॉडी है, कोई भी बॉल है मान लो, ठीक है, ये कोई भी बॉल है जिसका मास कितना है, एम है। क्लियर बात, ये बात आ गई समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, येलो कलर का मेरा सरफेस है और वाइट कलर की बॉल है जिसका मास एम है, तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो इस चीज़ के अंदर, थोड़ा सा मतलब कि आंसर देने के बाद में जरूर समझना जो मैं बोलने वाला हूँ आगे, है ना। तो आपने क्या बोला सर, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, जीरो है, कितनी है, जीरो। भाई आप यही बोलोगे ना, भाई येलो वाला सरफेस है और मास कितना है एम, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है, हाइट कितनी है, जीरो, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी कितनी बता दी, जीरो। कि अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को केवल और केवल ये बोला था कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की बताओ, ठीक है, इस बॉडी की आप क्या बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्या मैंने ऐसे बोला था पोटेंशियल एनर्जी येलो लाइन से बताओ, हो सकता है मैं यहां से पूछ रहा हूं, ये जो पिंक लाइन आपको शो कर रही है, हो सकता है जो मेरा क्वेश्चन था मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पिंक लाइन से बताओ, अगर पिंक लाइन से मैं पूछता तो जाके आप क्या बोलते, तो जाके आप बोलते कि सर पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की कितनी है, एम जी एच, और अगर मैं येलो लाइन से पूछता पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग क्या बोलते, तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते इस बॉडी की कितनी है, जीरो। इसका मतलब एक क्वेश्चन के दो आंसर आ गए, यहां पे आ गए ना, दो नहीं बल्कि तीन, कितने आंसर आ गए, तीन। कैसे आ गए सर तीन, देखो अब अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा मेरा कलर सिलेक्ट करना, जैसे ये वाला कलर हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है, मैं अगर इस वॉयलेट कलर से पूछता कि इस वॉयलेट कलर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो हाइट मेरा कैसा है, नेगेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वॉयलेट लाइन के कंपेयर में इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बेटा कैसी है, माइनस एम जी एच, कैसी है, माइनस एम जी एच। बात आ रही है समझ में, अगर मैं अबाउ द सरफेस पूछ रहा हूँ, इसके अबाउ पूछ रहा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, और इसके बिलो पूछ रहा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, और इस येलो लाइन पे पूछ रहा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें प्रॉपर लोकेशन ना दी हो। भाई जैसे कि मैंने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो एक बच्चा बता रहा है जीरो, एक बच्चा बता रहा है माइनस एमजीएच, एक बच्चा बता रहा है एमजीएच, मैं किसको ठीक मानूंगा, मैं तो किसी को ठीक नहीं मान सकता ना, क्योंकि एक बच्चे ने दिमाग लगाया येलो लाइन से कंपेयर करके, एक बच्चे ने दिमाग लगाया पिंक लाइन से कंपेयर करके, और एक बच्चे ने दिमाग लगाया वॉयलेट लाइन से या पर्पल जो भी लाइन है, ठीक है, वॉयलेट लाइन से कंपेयर करके, तो मैं किसका आंसर ठीक मानूंगा। क्या मैंने क्वेश्चन ऐसे बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी येलो लाइन से बताओ, या पोटेंशियल एनर्जी पिंक लाइन से बताओ, या पोटेंशियल एनर्जी वॉयलेट लाइन से बताओ? क्या मैंने आपको कोई डाटा दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमें इस वाली लाइन से बतानी है? नहीं दिया था ना मैंने कोई भी ऐसा डाटा। इसका मतलब जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो उस केस में आपको ये चीज़ गिवन होनी चाहिए कि कहाँ से पूछा जा रहा है, यानी कि फॉर पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि येलो लाइन से पूछा जा रहा है ना,
पिंक लाइन से पूछी जा रही है या फिर वॉयलेट लाइन से पूछी जा रही है, कौन सी लाइन से पूछ रहे हो सर ये बताओ आप। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अभी अभी तो बताया कि भाई साहब अगर येलो वाली लाइन से पूछ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर पिंक वाली लाइन से पूछ रहे हो इस ए पॉइंट के ऊपर, इस ए पॉइंट के ऊपर पिंक लाइन से पूछ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी पिंक लाइन की वजह से कितनी आ जाएगी, MgH आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी वॉयलेट लाइन की वजह से क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस MgH। समझ में आ गई बात। ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में बता दिया, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया है, हालांकि ये आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन पूछ ले कोई टीचर पूछ ले, या जैसे कि मान लो कोई बच्चा ही आपसे पूछ ले आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस पे डिपेंड करती है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछे आपके दोनों कान क्या हो जाने चाहिए, खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो दोनों कान खड़े होने चाहिए, और तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कहां से बताएं। उसके बाद जो भी वो आपको दे कि येलो लाइन से बताओ जीरो, पिंक लाइन से बताओ MgH, वॉयलेट लाइन से बताओ माइनस MgH। ठीक है, लेकिन जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। तो जर्नली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, MgH होगी। भाई क्यों होगी MgH, भाई कोई भी अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें हाइट तो गिवन होगी ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी बॉडी को हमने, ये कोई मान लो 20 kg की कोई बॉडी थी, इसको हम 10 मीटर की हाइट पे ले गए, कहाँ पे ले गए, 10 मीटर की हाइट पे ले गए, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी तो सीधा बता सकते हो। अब भाई 10 मीटर की हाइट पे लेके गए हो तो कहाँ से लेके गए हो, ग्राउंड से तो लेके गए होंगे, ऐसे थोड़ी 10 मीटर की हाइट से लेके गए कि हम सर हम तो अपनी छत से लेंगे, ऐसे ही नहीं करना। देखो जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो हमें आइडियली सोचना होता है कुछ चीज़ों को, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्कमस्टांसेज होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर जितने भी जो हम ये स्टडी करते हैं ना बेटा, ये सारी हम आइडियल कंडीशन को मान के चलते हैं। अदरवाइज अगर हम हर एक कॉम्पोनेंट को मानने लग जाए, हर एक कॉम्पोनेंट को हम कंसिडर करने लग जाए ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हमें आइडियली सोचना है कि अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहा हूँ तो कहाँ से लेके जा रहा होगा, ग्राउंड से ही लेके जा रहा होगा। ये थोड़ी है कि सर मैं तो अपने सेकंड बिल्डिंग से लेके जाऊँगा, सर मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मैं तो 10th फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं तो 10th फ्लोर से ऊपर लेके गया तो 10th फ्लोर तक की हाइट ग्राउंड से प्लस 10 मीटर, थोड़ा सा खोपड़ी का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले केस के अंदर हमने क्या देखा कि 20 kg के ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट तक लेके गए हैं, तो 20 तो आ गया मास, g की वैल्यू कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 मान लेते हैं, और h की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर कितनी आ गई 2000 जूल आंसर आ गया, कितना आ गया 2000 जूल आंसर आ गया। क्लियर बात, ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, MgH आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई बॉडी मेरी 30 kg है, ठीक है 30 kg रेस्टिंग ऑन द सरफेस, चलो रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड बोल देते हैं, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर रेस्ट में है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, जीरो। भाई सर अब बोलोगे आपकी सर हाइट जीरो क्यों ले ली, भाई साहब इसमें बोल दिया ना रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्यों है, तो पोटेंशियल एनर्जी बता दो ग्राउंड के ऊपर कितनी है, जीरो है। क्लियर बात, तो इस तरीके से अपना वो क्वेश्चन सोल्व करना है P=mgh का कॉन्सेप्ट यूज करके। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि ये एक एनर्जी का ही रूप है, तो बेटा इसकी जो SI यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वो जूल ही आएगी। ठीक है, इधर अलग से बताने की कोई ज़रूरत मेरे को लगती नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ SI यूनिट क्या आएगी इसकी, बेटा SI यूनिट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जूल आएगी, और CGS यूनिट कितनी आएगी बेटा, CGS यूनिट वही अर्ग आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था जो आज हमने सीखा। अब हमारे पास में आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई देखो ये जो फॉर्मूले हमारे पास में आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH, ये कैसे ना कैसे करके तो आ रहे होंगे ना कोई तो लॉजिक लग रहा होगा जिसके पीछे यही फॉर्मूला आया, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला नहीं आया। तो ये जो फॉर्मूला हमें बताता है, ये कौन बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि क्यों आया।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे कि नाम से थोड़ा बहुत रिलेट लग रहा है कि वर्क और एनर्जी दोनों आपस में एक दूसरे में लिंक होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि देयर इज ए लिंकेज बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क होगा इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम होगी, और एनर्जी है तो ही कोई ना कोई बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन एवर देयर इज वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कार्य होता है, देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। और बेसिकली कौन सी एनर्जी इसके अंदर अपन मान के चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी मान के चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वर्क हुआ है, और अगर वर्क हुआ है ना, तो वो जो जितना वर्क उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उसकी एनर्जी कितना चेंज हो गई है। बात आई समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई भी बॉक्स रखा हुआ है, ये अभी बेटा किस में है, रेस्ट में है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। देखो मैंने मेरे अभी इसकी एनर्जी कितनी है, अगर मैं अब पता क्या करोगे, अभी इसमें दिमाग लाओगे, अच्छा सर कहाँ से पूछ रहे हैं एनर्जी, ग्राउंड से पूछ रहे हैं, या जिस रूम में बैठे हैं उसके फ्लोर से पूछ रहे हैं, या अपने हाथ से पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब नॉर्मली समझो कि मैं अपने हाथ से ही इसकी एनर्जी पूछ रहा हूँ। इसकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों कितनी है, जीरो है। क्योंकि रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि मेरे हाथ सरफेस ऑफ अपने हाथ से पूछ रहा हूँ मैं, सरफेस ऑफ माय हैंड से पूछ रहा हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। क्योंकि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ माय हैंड वो भी कितनी है, जीरो है, बिकॉज ये रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी भी इस बॉडी की कितनी है, जीरो। यानी कि इस बॉडी की एनर्जी एट प्रेजेंट कितनी है, जीरो है। क्लियर बात? क्या वर्क हुआ, नहीं हुआ वर्क। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से क्या हो गया, वर्क हुआ, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो एक बात बताओ, जब मेरे हाथ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो वर्क हुआ ना, तो वर्क की वजह से क्या हो गई, इसकी एनर्जी चेंज हो गई, हुई ना, बेसिकली इसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब जब मैंने फोर्स लगाया, यानी कि मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसने इसके ऊपर क्या किया, काम किया। अब काम करने की वजह से ये बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। किस में आ गई बेटा, मोशन में आ गई। पहले किस में थी, रेस्ट में, और अब किस में आ गई, मोशन में। तो कौन सी एनर्जी चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। भाई पहले रेस्ट में थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में मोशन में आ गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। इसका मतलब मैंने जो कार्य किया है इस बॉडी के ऊपर, वो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुई है, ये हमें कौन बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक एग्जाम्पल के साथ में मैं समझा देता हूं, जैसे कि ये अभी रेस्ट में था, किस में था, रेस्ट में, तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया। अब जब मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई, यानी कि मूव करने लग गई वी स्पीड से। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है। यानी कि ये जो वर्क हुआ, क्योंकि फोर्स लगा और बॉडी क्या करी, डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये जो वर्क होगा ये किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो वर्क है यही हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर बात? तो अभी जो मेरे को आपको समझाना था वो वर्क एनर्जी थ्योरम समझानी थी। ये जो डेरिवेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ, वो वर्क कौन कर सकता है, मैं इसे अलग स्लाइड में शो कर देता हूँ, ठीक है। ये जो वर्क होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया वर्क, कौन करेगा वर्क, कोई ना कोई फोर्स करेगा। क्या तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, या फिर वो स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स, जो भी उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। और वो जो काम है उस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो किसके बराबर होगा, कि उसकी एनर्जी कितना चेंज हो जाएगी। क्लियर बात? यानी कि वर्क डन बाय
फोर्स, ये कोई भी फोर्स हो सकता है बेटा, वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये हमें क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बताता है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बेसिकली ना थोड़ा सा मैं एक बताऊं, ये तुम्हारे सिलेबस में तो बेटा वैसे नहीं है, तो यहाँ पे जो हम टोटल फोर्स लेते हैं ना, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, जितने भी फोर्स के द्वारा कार्य किया गया, यानी कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो ये वर्क आता है, ये कौन कौन से वर्क होते हैं बेटा, ये हमारे होते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि बेसिकली ये हम, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये सारे फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर लगते हैं, या इनमें से कोई भी एक अगर फोर्स लग रहा है, तो वर्क तो करेगा, क्योंकि फोर्स अगर लग रहा है और बॉडी अगर चेंज हुई अपनी पोजीशन से, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी होगी, ठीक है। तो ये सारे फोर्स के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब है ना, थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे मत समझना कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, क्योंकि बेटा ये जो चीज़ है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको केवल ये देखना है कि हमने कितना कार्य किया, हमने कितना फोर्स लगाया, क्योंकि हम जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स ही कहलाएगा कहीं ना कहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी जो हमारा बुक के अकॉर्डिंग जो हम सिलेबस चला रहे हैं, उसके अंदर अपने को ये देखना है, ये जो दोनों चीज़ें होगी ये हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा में, जब हम क्लास नाइन्थ की सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे फॉर क्लास नाइन्थ लेवल। क्लास नाइन्थ लेवल के अंदर जो भी हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क कितना होता है, तब जाके आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियरिटी आएगी कि हाँ क्या हो रहा है। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क हुआ है, काम हुआ है, इसका मतलब बॉडी चली है, बॉडी डिस्प्लेस हुई है, और जब बॉडी डिस्प्लेस हुई है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हुई है, चेंज, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हुई है, यानी कि बॉडी मोशन में आई है, और मोशन में आई तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज, यानी कि वर्क डन बाय एनी फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द आवर टॉपिक ऑफ टूडे सेशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर बात? तो बेटा लेक्चर 5 के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया हमने, और पोटेंशियल एनर्जी हमने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिए। तो बेटा लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमारी जो टॉपिक रहेगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर आओ कि लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर जो 6 हमारा रहेगा बेटा, दिस इज नॉट एच, ठीक है, हाँ मैं ऐसे शो कर देता हूँ, लेक्चर नंबर जो 6 रहेगा, इसके अंदर हमारा रहेगा डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वेयर कहाँ से आया, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एम जी एच, सिमिलरली एक हम डेरिवेशन करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जब क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है। हालांकि आपने देखा होगा एक फॉर्मूला ऐसा कुछ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा बुक के अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो ये तीनों के तीनों डेरिवेशन हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक दो टॉपिक और है, शायद एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये शायद आपके सिलेबस में है आई थिंक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग एनर्जी जिसको बोलते हैं है ना, स्प्रिंग एनर्जी, और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कुछ और होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हाँ एक टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में, ये वाला जो बेटा हमारा पार्ट आएगा ये लेक्चर नंबर 6 में आएगा, ठीक है।
इसके बीच में हो सकता है लेक्चर नंबर 6 से पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल डाल दूं आपके लिख के लिए, या फिर हो सकता है लेक्चर नंबर 6 के बाद में कुछ न्यूमेरिकल डालूं। जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग वो लेक्चर नंबर चेंज हो जाएंगे, 6 का 7 बन जाएगा, 7 का 8 बन जाएगा। लेकिन मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि ये टॉपिक अब हमारे बचे हैं केवल और केवल एनर्जी में। उसके बाद जो छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है वो वर्क बचा है। उसके बाद मैं ट्राई ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक वन शॉट वीडियो आपके लिए ले आऊँ, है ना। मेरे को कमेंट करके बताइएगा वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए कैसे रहेगी, इस वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर की वन शॉट वीडियो मेरा लाने का विचार है। सो दैट कि आप जब ये सीरीज देख रहे हो तो सीरीज देखने के बाद में आपका क्विक रिविजन हो जाए एक वीडियो में, और जो वन शॉट वीडियो होगी वो 1 to 1.5 hour की मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगी। उस वीडियो का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इन केस अगर आपको आप सारी की सारी वीडियोस देखने के बाद भी थोड़ा सा भूल गए हो तो उस वीडियो को देख के आपको याद आने लगेगी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें गई थी। जैसे कि मान लो आपका एग्ज़ाम आ गया तो ऑन नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है तो रात को आप क्या कर सकते हो, वन शॉट वीडियो देख लो, आपके काम की भी है और आपका काम बिजी हो जाएगा। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ वन शॉट वीडियो लाने के लिए। आप मेरे को बताइएगा कि आप चाहते हो वन शॉट वीडियो देखना, मतलब आप चाहते हो कि वन शॉट वीडियो वर्क एनर्जी पार की आए या ना आए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा जरूर होगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए मेरे पास इतना ही था। ठीक है, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक तरीके से रहिए, ठीक तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, मेहनत इतनी कीजिए कि अपनी तरफ से कोई कमी ना हो, लास्ट में जाके हम ये ना बोल पाए कि हमने मेहनत नहीं की। अपनी तरफ से इतना रहो कि हाँ हमने मेहनत की थी, बाकी जो भी है देखो ये तो बेटा भगवान के हाथ में, जो होना है नहीं होना, लेकिन अपनी तरफ से आप अपना पूरा प्रयास कीजिए, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो थैंक यू वेरी मच, सेशन में इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।